नमस्कार दोस्तों। तो जुलाई के महीने में टाटा मोटर्स ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं सारे। तो 51,000 से ज़्यादा यूनिट्स जो टोटल सेल की हैं, 92% की ग्रोथ है टाटा मोटर्स की ओवरऑल, जिसमें इनकी कमर्शियल सेगमेंट टाटा मोटर्स की ट्रक्स वगैरह भी हैं। अगर हम बात करते लेते हैं इनकी पैसेंजर व्हीकल्स के बारे में, तो पैसेंजर व्हीकल्स में टाटा ने 30,185 यूनिट्स जो हैं डोमेस्टिक व्हीकल में मार्केट में वे सेल्स की हैं पिछले महीने, जो कि एज़ कंपैरिजन टू पिछले साल के जुलाई महीने की 15,012 यूनिट से 101% ज़्यादा है। और वहीं 21,796 यूनिट्स जो हैं वो कमर्शियल व्हीकल्स के सेल किए हैं टाटा मोटर्स ने, और पिछले साल में यही जो सेल्स थी वो 12,012 यूनिट्स थी जुलाई 2020 में। तो ओवरऑल 92% की ग्रोथ हुई है। अगर हम पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो वहाँ पे ग्रोथ हुई है 101% की, बहुत ही लाजवाब और बढ़िया परफॉर्मेंस दिया टाटा मोटर्स ने। इसके अंदर से जाता है इनका टाटा टियागो, टाटा नेक्सॉन, टाटा अल्ट्रोस, टाटा सफारी और टाटा हैरियर जैसी गाड़ियों को। सिर्फ 5 गाड़ियां 6 गाड़ियां इनकी अवेलेबल हैं इस समय मार्केट में, और उनके बलबूते 30,185 यूनिट्स, तीसरे नंबर के पायदान पे टाटा अपने आप को एक अभी मजबूत स्थिति में बनाए हुए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।